सो हेलो बच्चों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। वेलकम बैक टू SMV क्लासेस यूट्यूब चैनल। ठीक है, हम पढ़ रहे थे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बायोलॉजी के हमारे लेक्चर्स चल रहे थे। ठीक है, आज आपका स्वागत करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वहाँ तक हमने क्या है कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इन्वॉल्व करता है डीएनए एज वेल एज सेल्यूलर एपरेटस। ठीक है, डीएनए एज वेल एज सेल्यूलर एपरेटस ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या है ये डीएनए और सेलुलर एपरेटस कंसिस्ट करता है, जो कि प्रमोट करता है डाइवर्सिटी, किसमें, ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो गैमेट्स क्या है, डिराइव होते हैं दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के गैमेट्स, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका गैमेट इससे डिराइव होगा, इसका गैमेट इससे डिराइव होगा, फिर फ्यूजन करके वो एक सिंगल जाइगोट में या फिर सिंगल सेल में फ्यूज होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट करता है किसमें, ओरिजन ऑफ न्यू स्पीशीज में, जो नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है उनका क्या है ओरिजन डिफरेंट रहेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है डिवीजन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में भी। ठीक है, जो रिड्यूस करते हैं डीएनए मैटर को हाफ में, और जायगोट फॉर्म होता है फ्यूजन के बाद सेम अमाउंट ऑफ डीएनए में, एज वेल एज द पेरेंट, पेरेंट से क्या रहता है वो थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है, और वो डीएनए क्या है सेम रहता है पेरेंट और उनके बीच में स्पीशीज में। इतनी बात क्लियर है। तो जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है, स्टार्ट करना है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो अब देखते हैं इसके अंदर। फ्लावर इज अ फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट विच इज स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट रिप्रोडक्शन। इट इज द ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट होता है जो क्या है रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, और ये क्या है, एक ऑर्गन होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स के अंदर। इतनी बात क्लियर है। आगे देखें अगर हम, तो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स दैट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स कंसिस्ट करता है अपने अंदर, जो कि क्या है पार्ट लेते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इनके अंदर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हम एक बार देख लेते हैं कि किन किन टाइप्स के फ्लावर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर हमें सबसे पहला जो देखना है विच इज यूनिसेक्सुअल। ठीक है, नाउ इफ अ फ्लावर हैज ओनली वन टाइप ऑफ, हैज ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स या तो मेल या फिर फीमेल, दैट मीन्स इधर मेल और फीमेल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर ये आते हैं ऐसे फ्लावर जो सिर्फ एक टाइप का या तो इधर मेल होना चाहिए या फिर फीमेल होना चाहिए, एक टाइप का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर वो कंसिस्ट करते हैं या फिर उनसे बने होते हैं। ठीक है, तो या फिर वो शो करते हैं, बने होते हैं तो गलत बोल दिया, लेकिन या फिर वो इस तरीके से डिराइव्ड होते हैं बेसिकली, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बेसिकली क्या हैं, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स थे। ठीक है,
इसके बाद अगर हम देखें सेकेंड टाइप इसके अंदर, तो सेकेंड टाइप आता है यूनिसेक्सुअल के बाद बायसेक्सुअल। इफ ए फ्लावर हैज बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ वहां पर अगर होंगे तो वो क्या होगा, बायसेक्सुअल होगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्लावर बेसिकली। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, हमने टाइप्स देख लिए फ्लावरिंग प्लांट्स में, रिप्रोडक्शन के क्या सिग्निफिकेंस होती है वो भी देख ली इंट्रो में, ओवरव्यू में, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स या फिर वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर एक कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब नाउ जो पहला पार्ट इसमें आता है विच इज पेडिसल, ये क्या होता है, एक स्मॉल स्टॉक होता है, द स्मॉल स्टॉक दैट बियर्स फ्लावर, जो पूरे एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को नीचे से बियर करता है, फिर कह सकते हैं बेस होता है, यहां नीचे फ्लावर के बेस में ये कुछ ऐसे करके प्रेजेंट होता है। अगर ये ऊपर फ्लावर है आपका, ठीक है, तो यहां पर वो इस जगह पर प्रेजेंट होगा इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सेकंड जो होता है थैलेमस। नाउ अब थैलेमस क्या होता है, एक ब्रॉड बेस होता है, द ब्रॉड बेस ऑन विच फ्लावर इज बॉर्न। थर्ड जो हमारे पास पार्ट आता है वो होता है कैलिक्स, या फिर हम कह सकते हैं सेपल्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। सेपल्स और पेटल्स के बारे में आपने अपने अर्लियर क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा होगा, और अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ग्रीन आउटर मोस्ट लीफ रहती है, ग्रीन आउटर मोस्ट लीफ लाइक पार्ट्स दैट सपोर्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। फोर्थ अगर इसमें पार्ट देखें तो वो क्या आता है, कोरोला, या फिर उसे हम पेटल्स भी कहते हैं। अब कोरोला और पेटल्स में क्या होता है देख लेते हैं, ये क्या है, कलर्ड पार्ट्स दैट लाई अबव सेपल्स दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, ठीक है। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या रहता है, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को ताकि पोलिनेशन वहां पर कैरी आउट हो सके, ठीक है। फिफ्थ अगर हम पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट इज स्टेमन, नाउ स्टेमन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखेंगे, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, ईच स्टेमन हैज अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड एन एंथर हैविंग लोब्स।
ईच ऑफ विच हैज पोलन सैक विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, ईच स्टेमन हैज अ लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, और एक एंथर होता है जिसमें क्या है, लोब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ईच ऑफ विच हैज अ पोलन सेक, एक पोलन सेक कंटेन करते हैं जो प्रोड्यूस करता है क्या, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर इसके हम नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की अगर बात करें, दैट इज कार्पल और पिस्टल भी हम इसे कह सकते हैं, अब क्या है, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ईच ऑफ द कार्पल हैज अ स्वॉलन वेस कॉल्ड ओवरी अ स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड स्टाइल एंड टर्मिनल स्टिकी एंड ओवरी कंटेन्स ओव्यूल दैट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ईच ऑफ द कार्पल हैज अ स्वॉलन बेस कॉल्ड ओवरी, उनके पास क्या है, हर कार्पल के पास एक स्वॉलन बेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अ स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड स्टाइल एंड टर्मिनल स्टिकी एंड। ठीक है, इसका टर्मिनल स्टिकी एंड होता है, स्टिकी होता है थोड़ा सा मतलब नेचर में या फिर टच वाइज। ठीक है, और ओवरी कंटेन ओव्यूल, उसके अंदर ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल होता है जो कि क्या है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना है विच इज पॉलिनेशन, अपने आप में एक इंपॉर्टेंस कैरी करता है ये। ठीक है, अब नाउ पॉलिनेशन को अगर हम देखें, ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज पॉलिनेशन, या फिर इस नोन एज या इस कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर का, किसका, पोलन ग्रेन्स का एंथर पे से स्टिग्मा में। ठीक है, स्टिग्मा पर फ्लावर की, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन बोलते हैं बेसिकली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दोनों टाइप के पॉलिनेशन अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर
ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या तो ऑफ सेम फ्लावर और अनदर, ठीक है, या तो खुद के सेम फ्लावर पे से उस प्लांट के, या उसी प्लांट के किसी और फ्लावर पे, ठीक है। यानी कि एक जो यहाँ पर रिप्रोडक्शन चल रहा है या फिर पॉलिनेशन चल रहा है वो एक ही प्लांट के अंदर चल रहा है बेसिकली, या तो खुद सेम फ्लावर पे हो रहा है या फिर उसी प्लांट के किसी और दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की विच इज क्रॉस पॉलिनेशन, तो वो भी देख लेते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन समझने के बाद में आपने आइडिया लगा लिया होगा, यहाँ अगर सेम प्लांट पे बात चल रही है तो उस क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, दूसरे प्लांट पर भी वो जा सकता होगा, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज, इट जनरली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ सम एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड्स एंड वाटर, ठीक है। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इतना तो पॉलिनेशन होता ही होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अनदर फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दूसरा प्लांट सेम स्पीशीज का, लेकिन प्लांट तो दूसरा इन्वॉल्व हो गया ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। ये जनरली कुछ एजेंट्स के थ्रू होता है, ये जो ट्रांसफर होता है ये एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, या फिर विंड हो गया, वाटर हो गया, इन सब के थ्रू ये क्या है, पॉलिनेशन होता है, यानी कि एंथर का ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे। इतनी बात क्लियर है। ये वाले जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर, ठीक है, इंसेक्ट्स और बर्ड्स को, और इनको हम बोलते हैं ए बायोटिक फैक्टर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, अपना फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म ए जायगोट, ये एक मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद एक सिंगल सेल बनता है जो कि बोलते हैं हम जिसे जायगोट, ठीक है, और वो एक नए इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होता है या कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पॉलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, ठीक है। इनके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स देख लेते हैं हम। द इवेंट्स आर
पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द ओवरी इसके बाद एक बार पोलन ग्रेन्स ओवरी तक पहुंच गए उसके बाद में क्या होता है पोलन ट्यूब्स ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड रीच द ओवरी थ्रू माइक्रोपाइल ठीक है इतनी बात क्लियर है तो पोलन ट्यूब्स क्या ग्रो करती हैं ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स और ट्रेवल करती हैं थ्रू स्टाइल एंड रीच द ओवरी ठीक है ओवरी तक पहुंचती हैं थ्रू माइक्रोपाइल एक टर्म है माइक्रोपाइल ठीक है इसके थ्रू वहां तक पहुंचती हैं इतनी बात क्लियर है नाउ इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है विच इज पोलन ट्यूब हैज टू मेल जर्म्स ईच ओव्यूल has two polar nuclei and a female germ cell called egg ठीक है इतनी बात क्लियर है now pollen tube releases टू मेल जर्म सेल्स इनसाइड द ओव्यूल वन ऑफ देम फ्यूजेस विथ फीमेल जर्म सेल एंड फॉर्म्स अ जायगोट which grows into the baby plant that means embryo the fusion is known as Syngamy, the other male germ cell fuses with two polar nuclei the process is known as triple fusion So, in flowering plants, two fusions takes place during fertilization. It is called double fertilization. ठीक है इतनी बात क्लियर है तो पोलन ट्यूब क्या है दो मेल जर्म सेल्स रिलीज करती है इनसाइड द ओव्यूल वन ऑफ देम फ्यूजेस विद फीमेल जर्म सेल एंड फॉर्म्स अ जायगोट ठीक है विच ग्रोज इनटू द बेबी प्लांट वहां पर एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाता है दैट इज एम्ब्रियो ठीक है तो फ्यूजन इज नोन एज सिनगैमी ठीक है फ्यूजन को सिनगैमी बोलते हैं हम
द अदर मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है. एंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स टू फ्यूजन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली, और इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. तो हमने ये देखा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है. नाउ यहाँ तक होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है. फर्टिलाइजेशन के बाद इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आने वाला है दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. उससे पहले जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या क्या चेंजेस आते हैं, है ना. तो यहाँ तक होप करता हूँ अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना ताकि हमें बेटर से बेटर रीच मिल पाए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए, ठीक है, और वो टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके, ठीक है. सब्सक्राइब कर देना ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसका आपको बेल नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है. और अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज आप टाइप कर दीजिए, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपको अपने क्वेरी का सॉल्यूशन वहाँ पर एज सून एज पॉसिबल प्रोवाइड किया जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग.